अंदर निकल। वाह, बस इतना ही बचा है। फाइनली हमारा घर अब इतनी हाइट पे रहेगा। देखो डबल मंजिल घर तैयार हो गया। कैसा लग रहा है? टेंशन नहीं, ऊपर हवा मिलेगी, बढ़िया है। पिंची मामी चिल्लाई, भाग विदित भाग, विदित भाग। अर्जी को पेन चाहिए? नहीं, हम इधर आ, इधर आ। एक दो दो तीन, ये तीन। इतनी बार देखिए हमने आज हुई 5 से 8, 8 से 11 बजे तक। भाई सबसे बड़ा गदर का फैन तो यही निकला। चुचू टॉयलेट में, टॉयलेट में गया छिम्बा। क्या बोली छिम्बा को? उसको पकड़ के वहाँ छोड़ा तो प्रिंसी। डरा डरना नहीं बेटा, उसको पकड़ ले ले, उसको पकड़ के वहाँ छोड़ा। फिर तो फिलहाल 10:37 हो रही है फिलहाल। अभी सो के उठा इतने बजे, रात को भी वीडियो एडिट नहीं करा था, अभी सुबह से जल्दी करने वाला था वो भी नहीं किया। अब वीडियो एडिट करूंगा बाद में। मेरा नहाना तो दूर की बात है, सिम्बा को नहलाऊंगा तो मैं नहाऊंगा। और फिलहाल हमारे यहाँ पे मामा आए हैं, मामा इरपस देने आए मम्मी को। रक्षाबंधन के पहले आते हैं इरपस देने के लिए, इरपस देते हैं फिर बहन को, फिर बहन खाना खिलाती है, राखी बांधती है, घर जाती है, फिर घर जाके एक बार और राखी बांधती है, सब कुछ सीन रहता है भैया। क्या क्या हुआ, क्या क्या बोल रहा? क्यों माधव मम्मा को नहाने जान दो ना। ए माधवी पीछी नहाएगी तू? ए माधव नहीं तो छिम्बा कहाँ घूम रहा भैया? पूरे किचन विचन सब दे। एक चीज का डर लगता है, उसके ऊपर कोई पैर ना रख दे भैया, क्योंकि छोटा सा इसलिए पता ही नहीं चलता किधर क्या जा रहा है। तेरा रूम बहुत बुरा बास रहा है। मेरी बिल्ली के बारे में कोई कहीं नहीं बोलेगा। बास मार रही, बोले रूम बास मार रहा है, तो बिल्ली के बारे में मत बोलो भाई मेरे को। मेरी पप्पे कोई मुंह बता दे तेला। जय श्री कृष्ण करो, जय श्री कृष्ण कर दो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण तो कर दो। ये गाइस तो फिलहाल यहाँ पे अभी हमने पप्पू को तैयार करने के लिए यहाँ पे पूरी बॉडी में पीछे पीठ पे पाउडर लगाया और जाके वहाँ पे लेट गया। तो देखो हमारा बिस्तर भी पूरा वाइट वाइट हो गया। मेरी सुंदरी 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 तो गिर जाएगी। आ जा माँ पास, आ जा जल्दी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब, कमेंट में ज़रूर बताना। आई होपफुली आप सब बहुत अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फिलहाल दोपहर की, जय श्री कृष्ण, आ चुकी दोपहर की 12:20 हो गए भैया। और ब्लॉग की शुरुआत अब हो रही है, क्योंकि संडे था तो मैं भी सोई थी आराम से, नाश्ता कर लिया पोहे का, उसके बाद फिर घर गए। घर में जो भी घर बन रहा है वहाँ पर छत डल रही है, मतलब छत का काम हो रहा है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है भैया। वो तो नहीं बता पाऊँगी आपको मैं, क्योंकि मैं अगर बैठूंगी तो मेरा सिर दर्द होने लग जाएगा। इसलिए फिलहाल घर में ही बैठेंगे आज शांति से। पता नहीं क्यों बच्चों की गाड़ियाँ नीचे क्यों नहीं चलती है, दीवारों पे ही चलती है। और सबसे मेन बात, आप लोग सोच रहे हो कि अदिति दीदी कल भी ये ड्रेस में थी, आज भी ये ड्रेस में है, तो हाँ भैया हम अभी तक नहाए नहीं है। देर से सो के उठी तो अभी तक नहाई नहीं हूँ, घर पर रहती हूँ तो सीधे नहा कर ही रूम से बाहर निकलती हूँ। 6:30 उठ जाती हूँ, 7 नहा के रूम से बाहर निकलते हैं, मम्मी के घर आए हैं तो थोड़ा आराम से नहाऊंगी। हे गाइस तो फिलहाल यहाँ पे हमारा बेटा सो गया है, देखो भैया मेरे पेट के ऊपर बैठता है और ऐसे सोता ही है आराम से। कितना सुंदर लग रहा है मेरा बच्चा, मुझे न लगे किसी की। हमेशा ना वो यहाँ पर ऐसे सिर रख के सोता है, पर अब आज ही से सो गया। ऐसे तो उसकी दादी सुला देती है या फिर नानी सुला देती है, अगर पर मेरे पास अगर सोएगा तो मेरे ऊपर ऐसा लेट के सोएगा, मेरे ऊपर उल्टा लेट के सोता है। आज पहली बार ऐसा बैठ के सोया है भाई, धूप कितनी खतरनाक हो रही है। चलो भैया मैं भी नहा के तैयार हो गई हूँ, एक बार घर में चक्कर लगाते हैं, राउंड मारते हैं, क्योंकि लाइट चली गई और छत का काम कैसा रहता है कि मतलब रुकना नहीं चाहिए, वरना फिर दिक्कत आ जाती है कि गैप हो जाती है कि छत में, फिर वही पता नहीं क्या क्या दिक्कत होती है, वो तो कन्फर्म नहीं पता मेरे को। पर लग रहा है यहाँ पर काम रुक गया है भैया, मशीनें रुक गई, लाइट बंद हो गई, क्योंकि पानी भी निकालना पड़ता है ना बार बार, छोटी छोटी गोटियाँ भर के रखिए उसमें पानी भरना पड़ता है। काम चलता है छत का। तो पापा नारंग को देखो वहाँ से देख देख के मैं तो हंस रहे, दाद दिखा रहे हो। बन गई छत पूरी, गिट्टी खत्म हो गई, देख क्या हूँ मैं ऊपर। लो भैया यहाँ से चढ़ने का ऑप्शन ही हटा दिया भैया उन्होंने, लग रहा है यहाँ पे उजाला उजाला, सफाई हो रही नीचे की। लो भैया अभी देख रहे यहाँ पे सब पूरा साफ साफ था, तो पूरा पानी गिर रहा है ऊपर से, क्योंकि सब दूर से पानी टपक रहा होगा। आ रहे हैं तो मैं आती ऊपर से देख के। ओ भाई इधर भी गिर रहा है पानी, को ईटे यहाँ क्यों रख दी? वाह, बस इतना ही बचा है। चलो भैया सब का काम हो गया। फाइनली हमारा घर अब इतनी हाइट पे रहेगा। देखो ये घर अभी बहुत ऊंचा था,
अभी इससे भी ज़्यादा हाइट रहेगी यहाँ पे, क्योंकि साइड की बाउंड्री वॉल बनेगी ना। ये मेन फ्लोर, ये मेन छत है हमारी। हे गाइस, अभी जो मशीनें रखी ना, ये भयंकर आवाज़ कर दी थी अभी, मैं आई थी जब तक ये बंद है तब तक यहाँ पे रुक लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे ही मशीन चालू हो जाएगी मैं घर भाग जाऊँगी, वरना सी चढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। लीकेज हो गया तुम्हारी छत में? पापा से व्लॉग में पूछूंगी मैं। क्यों पापा, डबल मंजिल घर तैयार हो गया, कैसा लग रहा है? आप डबल मंजिल घर तैयार हो गया है, खुशी आ रही भैया। कोई टेंशन नहीं, गर्मी में भी टेंशन नहीं, गर्मी में भी टेंशन नहीं, गर्मी होगी टेंशन नहीं, ऊपर हवा मिलेगी बढ़िया। हाँ, और बारिश में भी टेंशन नहीं कि भैया हमारे घर में पानी भर आएगा। हो गई भैया मशीन चालू, लो चलो। बैठ, छत का काम तो हो गया पूरा, अब एक महीने तक रेस्ट रहेगा। मतलब छत ऊपर कुछ काम नहीं होगा, बस नीचे प्लास्टर वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, वो भी कल या परसों हो गया। नहीं, कल तो ऊपर क्यारी बनाएंगे, क्योंकि छत में पानी भरना पड़ेगा ना, वो काम होगा। फिलहाल अभी घर जा रहे हैं, उनको पानी चाहिए। चल खड़ा हो जा, अधिक रो, सोता हो तो सो, नहीं तो उठ जा। चलो तो मम्मी बुला रही है, देखो कितनी बज गई। बाप रे, 3:30-4 बजने में आ गए, जल्दी चलो। जाना है बेटा, मम्मा चल माँ पास, चल माँ पास, विदेश से मैं भी मिलूँगा। कौन सा लानी भी अभी अभी हमारी पिंची निन्ना खुल गई मेरी बेटी की। क्या चाहिए पिंची? निन्ना खुल गई। क्या बोल रही है? क्या बोल रहा? क्या चाहिए? है अभी 4 बजे फिलहाल, अभी मैं जा रहा था अदिति पास, पप्पू के पास मिलने के लिए। हमारी ब्यूटी कोई पीछे तेले कपले वाले तेला मुँह मैचिंग मैचिंग हो गया है मेरे को लगता है अभी। सही बोल रहे ना मामा? आंटी भैया लो लाए आंटी। हाँ हाँ, चुप कर दे तो, चुप चुप हो जा, अधिक चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, रोया करो भैया। हम तो चले, ज़्यादा इनको चुप करो ना तो ज़्यादा बिचकते हैं, इसलिए रोने दो और अपन चलो। इससे अच्छा तो मेरा विधि थे, रो गा के जो करना हो करवा लेता है और चुप हो जाता है। चल रही तुम विधि पास? हाँ चल बेटा, चल प्रिंसी चल, मारा मामा ने, चल आ जा, आ जा मेरे बेटा, चल पुप्पू पास चलेगा। मुँह पूछ, मुँह तो साफ करवा के आओ, जा बोला मुँह साफ करो माँ। बेटे को ही ना जा वो अधिक अंदर सो बेटा, यहाँ पे ऐसा लोटे मत, धूप में गरम गरम लग रहा होगा तेरे को। फिर भी तू नहीं सुने तो तेरी मर्जी, हमारा कुछ भी नहीं। चलो बेटे, मैं तो चली भैया मामा के छात में। चल चल रहे हो ना आप मेरे साथ? रोगे तो नहीं ना? किसके पास जा रही है? कहाँ जा रही? पप्पू भैया। हाँ जैसे तो किसकी बेटी है? किसकी बेटी है? ये छून के बहुत अच्छा लगता है। चलो पिंची, प्रिंसी कहाँ जा रहे हैं अपन? पप्पू भैया, मामी बोल, मामी पाच कहाँ जा रहे हैं? मामी पाच जा रहे। ठीक है, तो फिर अभी हम जा रहे थे अदिति विदिति से मिलने के लिए, ब्यूटी क्वीन को ले जाने के लिए। ब्यूटी क्वीन जब भी बैठते ना गाड़ी में, मेरे साथ बैठेगी स्पेशली, तो यहीं पे बैठेगी, पूरी गाड़ी खाली होगी जब भी मेरे पास ऐसी ही बैठेगी चिपक के। अभी बिठाया था साइड में, तो बोलती मामा ले लो, फिर ले लिया चुपचाप बैठ के आराम से, मस्त पकड़ के बैठे रहते, देखा करते टुकुर टुकुर इधर उधर। उसकी आँखें ना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से अपन माऊ लेके आए हैं। नहीं बेटा, माऊ नहीं आएगी इधर से। अभी अपन कहाँ जा रहे ब्यूटी क्वीन? पप्पू भैया, तो फिलहाल ये जनरेटर से माल बनता होगा, फिलहाल ये मशीन से ऊपर चढ़ता होगा। भरा गई भी अच्छा था। आजकल है ना काम बहुत आसान हो गए, सेकंड फ्लोर की छत फटाफट भर दी, तो पहले भयंकर भैया ऊपर माल चढ़ाते थे, दिन दिन भर लग जाता था, है ना बेटे क्वीन? कर दे, हाँ कर दे, हाँ ला। पिंची पिंची भी आई ना आपसे मिलने के लिए? कहाँ जा रही है? अच्छा बंदूक उठा रही है। हाँ बंदूक ले भैया, ले 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 ले। वो तो धांधल मचा के रखता भैया विदित पूरे घर के अंदर। क्यों? हाँ बेटा, हाँ खाओ ना, हमारे विदित का पूरे घर में दबदबा रहता है भैया। हाँ बड़ी ढोलक बजाओ बेटे, छोटी ढोलक नहीं बजाना। देख पिंची देख,
बोलो दादी विदित इधर क्या डबल चलो बोलो दादी अच्छे से अरे बोल अच्छे से दादी नानी विदित इधर आ यार तेरी दादी खुश होकर आ जाएगी बोलो दादी अरे बोल दादी बोल दादी बोलो दादी का आवाज दे तो विदित विदित पिंची बोलो दादी विदित बोलो दादी बोलो अरे अरे बोलो दादी बोलो दादी अरे पहले दादी 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 तो सोइए आपको यहाँ पे आके कैसा लगा अच्छा लगा मेरी बीची को वाह मिली चुनी बच्ची आपकी नानी का घर कैसा है इधर देखो वैसा ये पुप्पो की नानी का घर है समझी है ना वो तो भैया इधर उधर सब मस्ती करने में लगे पड़े इतनी गुस्सा हो गई भैया अंदर निकल पिंची मामी चिल्लाई हाँ आ जा तू तो अंदर आ जा तू तो फटाफट अंदर आ जा विदित तो मार खाएगा भाग विदित भाग विदित भाग डगेदा भगता भगते आ गया विदित मम्मी ने चिल्लाया पप्पू भैया को डांट विदित जाओगे बाहर विदित बाहर जाओगे कौन है कथा प्रसाद क्या सिखा दिया ना उसको गधा प्रसाद को अच्छी स्माइल देता है कि इंसान को गुस्सा चला जाए विदित गधा प्रसाद कौन है नहीं ये? बेटा नहीं बोलना नहीं पता बोल दे गधा प्रसाद कौन बोलना नहीं पता ओ पप्पू भैया विदित गधा प्रसाद कौन है नहीं बेटा बोलना नहीं पता फिर बोल दे नहीं नहीं प्यार करती पप्पू भैया को ये चीज गाल करके पिंची गधा प्रसाद कौन है बेटा गधा प्रसाद नहीं पता बोल दे विदित बोल दे नहीं पता गधा प्रसाद कौन है विदित नहीं पता वे गई भाई क्या कर रही है देना कौन क्या कर रही है बेटा उसको लग रहा है उसके पांव पड़ रहा है पैर पड़ रहा विदित प्रिंसी प्रिंसी पैर पड़ रहा भैया तेरे देख हाँ वाह ऐसे आशीर्वाद दे दे प्रिंसी प्रिंसी आशीर्वाद दे दे भैया को छदा चुकी लो बोल दे छदा चुकी लो चलिए भाई राखी बांधेगी हमको अभी चलो बाय बाय बोल दे लाडो विदित बाय कर दो बाय विदित तेरा नंबर बाद में आएगा तू बड़ा होगा बाय कर दे विदित बाय प्रिंसी मजा आया खेलने में यहाँ पे हाँ बाय बाय अजीत भी जा रहेगा टॉकीज वो देखे जा रहा है मेरे को तो लेके गए नहीं भैया मेरे को तो यही पे छोड़ गए मेरे को गुच्छा आ गया मेरे को आप नहीं छोड़ दो मेरे को आप मेरे को छोड़ दो अब बच्चा तो देखो कैसा चल रहा है गुच्छा आ गया आप तो मेरे को तो फिलहाल अभी हम आ गए थे आप खुला खुला सा दिख रहा है जरा सा अब दिख रहा है कि अपन आए नहीं तो पहले जब आए थे ना यहाँ पे पूरे खंबे खड़े थे अब जरा लग रहा है लालिया हाँ खुला खुला सा लग रहा है लालेरा किचन भैया किचन पूरा पैक पैक सा लग रहा है भैया पर वेंटिलेशन है ना इसको अपन पूरा फुल उजाला देंगे फिर वजी थी चल अभी जितना उजाला दिख रहा है जब भी वैसे ही तो दिखेगा उजाला इतना अंधेरा रहेगा ही रहेगा किचन में तो अभी प्लास्टर होगा फिर उस पे पेंट होगा तो कलर का भी फेक पड़ता है फिर भी इतना अंधेरा तो रहेगा ही रहेगा तो फिलहाल भी हम ऊपर छत पे आए थे माधव को लेके और मऊ को लेके हमने सोचा है इसको है ना इसका नाम सिम्बा है और प्यार से हम इसको मऊ बोलेंगे जैसे कि हम हमारे विदित है विदित को प्यार से हम पप्पू बोलते हैं प्रिंसी है प्रिंसी को प्यार से हम क्या बोलते हैं पोंछा लानी स्कूल में एडमिशन हाँ स्कूल में एडमिशन इसका स्कूल में एडमिशन करवाएंगे जब अपन इसको सिम्बा बोलेंगे ये पंजे देखो अब हो गए साफ सुथरे हमने इसके पैरों की हेयर कट करी और इसके बम पे भी थोड़ा सा बाल ज्यादा थे तो उसको भी कट कर दिया चलो भाई अभी इसको मम्मी ने पानी गर्म कर दिया है उसको नीचे ले जाते हैं नहलाते हैं दूसरी छत पे पत्थर नहीं फेंकते इसलिए हमारा फर्स्ट टास्क था मऊ को हेयर कट करने का कर दिया अब सेकंड टास्क उसको नहलाने का फिर उसको नहलाने के बाद में उसको ना पूरा अच्छे से हेयर ड्रायर कर देंगे मस्त वाला क्यों कौन परेशान कौन कर रहा है अरे पूजा को बोल रहा था क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को आप जाओ ना नीचे हाथ धो क्या परेशान क्यों कर रहे हो मेरे को देखो बोल रहा है मम्मा मेरे को परेशान क्यों कर रहे हो
पूछ तो कौन कर रहा परेशान, कौन परेशान कर रहा है? अब मामा परेशान कर रहा है। देखो ठीक है, फिलहाल हमने हमारे सिम्बा को मस्त सा नहला दिया, पहले हेयर कट कर दिया, फिर उसको अच्छे से नहला दिया, शैम्पू करके अच्छे से नहलाया। देखो भैया किड्स और ये जो पेट्स आते हैं ना उनके लिए ये वाला शैम्पू आता है। शैम्पू कितने का महंगा दिया था भैया मेरे को, 221 रुपये का शैम्पू है। ये शैम्पू से उसको नहलाया, फिर मस्त उसको अच्छे से हेयर ड्रायर किया, फिर उसका कंघा किया, अब मस्त लग रहा है। तेरे भी काट दूँ बिल्ली जैसे बाल, क्यों मैं कल मैं धोऊंगी तो कर देगा मस्त। अब हमारा शिम्बा है ना एकदम मस्त, नहा धो के एकदम मस्त लग रहा है। क्यों शिम्बा? और अब भाग रहा था और मेरे को इसने ना स्क्रैच भी कर दिया भैया, देखो कहाँ पे, ये देखो कहाँ स्क्रैच किया है। शिम्बा कहाँ चढ़ रहा है, कहाँ चढ़ रहा है, ये गिरना कूदना मत बस शिम्बा, तूने कूदना मत बच, उतर जा। तो कूद जाता है बेटा, तो कूद जाता है, लग जाएगी तेरे को कूदेगा तो। तू छोटा छा है अभी इसलिए बोल रहा हूँ टेको में, कितना प्यारा प्यारा बच्चा है। चलो अभी इसको छोड़ते हैं रूम के अंदर, रूम पैक करते हैं और सीधे निकलते हैं हमारे पप्पू के पास में, उसको थोड़ा बहुत खिलाएंगे। टॉकीज जाने का सोच रहे थे पर टॉकीज 8 बजे का शो है, 8, 9, 10, 11 बज जाएगी, इसलिए टॉकीज जाना कैंसिल करते हुए। मामा को बोल भैया 2-4 पेन ले आना। क्या ले आना? पेन 2-4 पेन, कि हमारे पूरे घर में चित्र आ जाए, अच्छे से लिखा जाए। सर जी को पेन चाहिए? नहीं, हमारे पूरे घर में अच्छे से लिख दे। नहीं अभी तक लिखा क्या कहीं? आ जा आ जा, इधर आ इधर आ इधर आ, दिखाता हूं तेरे को, देख इधर कहाँ लिखा है बताता हूँ। हाँ इधर देख, एक ठीक है, दो दो दो, इधर आ, अरे माँ को बता रहा हूँ, इधर 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 ये देख, तीन ये तीन, और चल और चल और कहीं दिखनी दिखी जाएगा। पहले मेरे को तो छोड़ दे। हाँ चुप कर उसको पहले, माँ तो चुप हो जाओ, फिर और दिखाता है मम्मी को का का लिखा है। ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखना। और बोल रही भैया 3-4 पेन ला देना, मेरे छोरे को लिखने को चाहिए। हम रेंटेड हाउस में रहते हैं, पता है देखो माधवी, हम रेंटेड हाउस में रहते हैं बेटा, आप यहाँ पे लिखोगे तो अच्छा लगेगा क्या? वो सामने वाला हमको बहुत चिल्लाएगा। ठीक है तो फिर अभी सोचा कि चलो चलते यार घर पे, यहाँ पे भी क्या ही करेंगे, इससे अच्छा टॉकीज ही चल देते हैं। हे भगवान हमारा भी ऐसा घर बन जाए जल्दी जल्दी। ठीक है तो फिलहाल अदिति आ गई, सब छोड़ पहले होता मेरा बच्चा किधर है, उसको लेके चलोगे? वो सोएगा? ता सो जाता गोदी में, सो जाता ले दे दो। मेरा बच्चा मेरे से दूर होता मेरे को अच्छा नहीं लगता भैया, छोटा है इसलिए, बड़ा रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी यार। ओए मैं भी चलूंगा, टाकी चल रहा मैं भी, तो देख कितना खुश हो गया, देख कितना खुश हो गया, कितना खुश हो गया मेरा बच्चा छोटा सा। पैजामा दे दो, हमें दे दो, ये पैजामा पहना लो, डायपर पहना दे, डायपर फाड़ के देता हूँ। पुगो ले लिया, मेरे को उसके बगैर जरा सा भी अच्छा नहीं लगता, 1% नहीं अच्छा लगता है। क्यों मेरी जान, कितनी प्यारी सी बच्ची, कितनी प्यारी प्यारी स्माइल दे ली थी। बोल दे, हाँ बोल दे। हाँ पापा मजा आएगा मेरे को तो मूवी देखने में। चलो पापा चलो गाली चलाओ इधर। फाइनली आ तो गए, पर टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा विदित? मिल जाएगा तो चल जाएंगे, नहीं मिले तो घर चल देंगे। ठीक है विदित जी, चलो पापा इधर। ठीक है तो फिलहाल यहाँ पे भीड़ देखो, और 100 सीटें है सीट पर, शायद ही मिलने वाली है रुकी। इच्छा लगता है वापस जाना पड़ेगा, चाय भी मिलने वाली है भैया टिकट हमको, सब नहीं मिलेगी अभी, नहीं मिलेगा। चलो चाइनीज मोमो खाएंगे और घर को भी वापस जाएंगे। बता रहा हूं उधर से पापा पलट जाओ। चलो फाइनली मिल गए टिकट, डबल आ गया, 100 रुपए डबल से दिलवा दिए इसने। चिप्स अभी नहीं मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी, अभी चिप्स बंद है, सब फूल देते पूरे फूल है, बहुत आगे मिले से अधिक डबल आ गए, क्यों बहुत आगे सीट मिली यार, डबल आ गए आपके भैया। सबसे स्टार्टिंग में सीट अपन को दे दी, बहुत बड़ी पिक्चर दिखेगी तेरे को आज विदित, पूरा रियल दिखेगा तेरे को आज। मैं कि वो डर के भागे नहीं तेज आवाज में। नहीं भागेगा, नहीं भागेगा, कॉटन लाना भी भूल गए। चलो भैया मूवी में बैठ गए, पर एकदम देखो ये पहली सीट है, दूसरी सीट पे मैं ही बैठा हूँ। मुसलमानी है लॉबी होगी सिग्नी, सब कुछ बड़ा बड़ा दिख रहा है भैया। किसी के वास्ते होते हुए दिल में प्यार, में फिर झूला पड़ गए, पक गई मिठियां दिया। अधिक कैसे लगी मूवी? तो हर देखी उसने, कितनी बार देखी आपने आज मूवी?
मैं तीन पाँच से आठ, आठ से ग्यारह, आठ से ग्यारह, देखो दो बार देखिए, पाँच से आठ, आठ से ग्यारह बजे तक भाई। सबसे बड़ा गदर का फैन तो यही निकला। एक लगा दो बार मूवी देखी इसने, कितना बड़ा फैन चाहिए भाई, इतना छोटा हो कितना बड़ा फैन। ना छोटा सा है पर एक लगा दो बार मूवी देखी, तेरे अंदर कितना जोश आया, कितना जोश आया, दो बार गदर देखी। चल सबसे मेन डायलॉग बता दे उसका। एक लगा दो बार अदिति, एक बार पहले शो पूरा चला बाहर निकला, फिर डबल तो देखूंगा मैं। लग गया हाँ, जैसे कि झूला है भाई, कि एक बार झूलना है, डबल झूलना है, डबल झूलना है। ठीक है, तो चलो फिर अभी चल रहे घर, और जो सारे पोलन पे तिरंगा देख के दिल खुश रहता है बस।